हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ सॉइल की, ठीक है। और जो पहला टेस्ट आज हम यहाँ देखेंगे वो देखेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं SPT टेस्ट, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके IS कोड की। तो जो IS कोड हमको यूज करना है वो है हमारा IS 2131 1987, ठीक है। अब देखिए, इस टेस्ट में आज हम देखेंगे किस टेस्ट को करते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम जान लेते हैं कि इस टेस्ट को करने के लिए हमको क्या चीज़ ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका नाम है स्प्रिट स्पून सैम्पलर, ठीक है। क्या होता है ये देखिए, आपको फिगर में यहाँ पे शो किया गया है, जो आपको रॉड जैसी दिख रही है यहाँ पे ब्लैक कलर की, ये हमारा होता है स्प्रिट स्पून सैम्पलर। इसी की हेल्प से हम जो हमारा सॉइल का सैंपल है उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्प्रिट स्पून सैंपलर के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्प्रिट स्पून सैंपलर होता है हमारा, ये इसमें ऊपर यहाँ पर ड्राइव कैप लगी रहती है, और ये जो रॉड होती है इसको हम बोलते हैं प्रॉब रॉड। यहाँ पर एक एडाप्टर लगा रहता है और यहाँ पर एक स्प्रिट बैलेंस सैंपलर रहता है, ठीक है। देखिए, हमको करना क्या है, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि जो हमारा स्प्रिट स्पून सैंपलर है, ये जो रॉड आपको दिख रही है, इसको हम किसी भी ग्राउंड पर जहाँ से हमको सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है वहाँ पर इसको रख देंगे। और उसके बाद इसको जो इसका ओन वेट है उसकी वजह से जितना ये पेनिट्रेट होगा सॉइल में, इसको फ्रीली पेनिट्रेट होने देंगे, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको 63.5 किलोग्राम का हैमर लेना है और उसको 75 सेंटीमीटर की हाइट से फ्रीली फॉल करना है, ठीक है। और ये जो हम फ्रीली फॉल करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि जो स्प्रिट स्पून सैंपलर है हमारा वो 15-15 सेंटीमीटर सिंक होता जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जो ये हमारा स्प्रिट स्पून सैंपलर है इसको हम टोटल 15-15 सेंटीमीटर में 3 times में इसको हम सिंक कराएंगे, ठीक। मतलब सबसे पहले इसको हम हैमर जो ये हमारा है इससे हम ब्लो कराएंगे और 15 सेंटीमीटर सिंक होगा, फिर हमारा जो है हैमर से हम ब्लो करेंगे और 15 सेंटीमीटर फिर से सिंक हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड में अटेम्प्ट में हम फिर से 15 जो है हैमर को ब्लो करेंगे और 15 सेंटीमीटर फिर से सिंक होगा। तो इसमें जो चीज़ मेन है वो ये है कि देखिए, हमको जो सैंपल कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करना है 30 सेंटीमीटर हाइट का। इसके लिए ये जो प्रोसीजर है इसको और अच्छे समझने के लिए देखिए, ये देखिए जिस तरह से इसमें वीडियो में हम देख रहे हैं कि स्प्रिट स्पून सैंपलर को हम इस तरीके, सबसे पहले जो ग्राउंड होगी उसमें हम फ्रीली जितना होगा उसको पेनिट्रेट कर देंगे। उसके बाद ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इस टाइप का एक हम अरेंजमेंट इसमें लगाएंगे। ये जो हैमर हमको दिख रहा है, ये जो हैमर है ये इसका वेट है 63.5 किलोग्राम और ये जो इसकी हाइट ऑफ फॉल है ये जो होगी टोटल हाइट ये 75 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अभी देखिए इसको आगे कैसे करते हैं। तो ये कुछ हमको प्रिकॉशंस लेने हैं स्टार्टिंग में कि ये जो है हमारा सैंपलर ये सीधे वर्टिकली जाए। तो ये देखिए, हमने जो ये हमारा वेट था इसको हम 75 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर ले जाएंगे इस अरेंजमेंट के थ्रू और फिर इसको फ्रीली फॉल होने देंगे। और जो हैमर है इसका वेट है हमारा 63.5 किलोग्राम। इससे क्या होगा कि जो हमारा स्प्रिट स्पून सैंपलर है ये 15-15 सेंटीमीटर 3 times में ये जो है हमारा ये पेनिट्रेट करेगा सॉइल के अंदर और लास्ट में हम इसमें सैंपल निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी चलेगी। तो देखिए, इसको हम वापस से ये जो पेनिट्रेशन है इसको वैल्यू को फिर फ्रीली फॉल करेंगे। हर बार में जितना हम इसको फ्रीली फॉल करेंगे कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारा जो सैंपल है वो पेनिट्रेट होता चला जाएगा। और जब ये इसका पूरा पेनिट्रेशन हो जाएगा उसके बाद इस सैंपल को हम बाहर निकाल लेंगे और जो हमारा सैंपल कलेक्ट हुआ है उसको हम जो लैब में फर्दर इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ये अभी इसको पेनिट्रेट कर रहे थे, अब हम इसको इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। इसको वापस से हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो जो हमारे सॉइल सैंपल है वो हमारा बाहर निकल आएगा, क्योंकि जो हमको 15-15 सेंटीमीटर के जो पेनिट्रेशन होना था, जो टोटल पेनिट्रेशन था वो हमारा था 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन होने के बाद जो हमारा सैंपल था इसको हम बाहर खींच लेंगे। ये देखिए, हमने सैंपल को बाहर निकाल लिया पूरी तरह से। अब इसके बाद हम सैंपल को अलग कर लेंगे। देखिए, होता क्या है कि जो स्टार्टिंग के 15 सेंटीमीटर होते हैं उसमें ये कुछ जैसे कि हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन या फिर रूट्स या ये कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। तो जो स्टार्टिंग के 15 सेंटीमीटर जो पेनिट्रेशन होता है, जो कि फ्रीली पेनिट्रेट होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। जो लास्ट के 30 सेंटीमीटर होता है सिर्फ उसको पेनिट्रेशन को हम कंसिडर करते हैं। ये जो हम देखे सैंपल हमने अलग कर लिया, ये हमारा स्प्रिट स्पून सैंपलर है। इसको हमने देखिए हम ओपन करेंगे और ये जो स्टार्टिंग के 15 सेंटीमीटर थे इसको भी हम अलग कर देंगे। अब जो हमारा ये जो ड्राइवन कैप था उस कैप को हमने हटा दिया है और जो हमारा सैंपल है वो वैल्यू हमारी सैंपल जो है हमारा वो निकल के सामने भी आएगा। देखिए, ये हमारा है, इसको हम डिटैच कर देंगे इससे। और जो ये बीच में ये जो
आ गया हमारा, ये हमारा सॉइल का सैंपल है, ठीक है। इसकी हाइट होगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर सैंपल को हमको यूज करना है, जो स्टार्टिंग का 15 सेंटीमीटर है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो देखा, तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, हमको 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करना है। तो सपोज इसमें हमको जो वैल्यू रीडिंग लेनी है वो ये लेनी है कि स्टार्टिंग के जो हमारे 15 सेंटीमीटर था, इसको हमने कह दिया N1, जो हमको वैल्यू लेनी है वो देखिए, शुरुआत में हमने आपसे कहा कि जो हमको वैल्यू है, सपोज वो हमने जो 15 सेंटीमीटर स्टार्टिंग के पेनिट्रेट किए N1 उसको मैं कह रहा हूँ, उसमें हमको जो टोटल नंबर ऑफ ब्लो में जितनी बार हमको हैमर उसमें हैमर चलाना पड़ा उसको पेनिट्रेट करने के लिए, उसकी वैल्यू सपोज निकल के आई 10। जो हमने सेकंड जो हमारे 15 सेंटीमीटर का जो हमारा पेनिट्रेशन था सपोज वो हमारा हुआ 12 और ब्लो में, और जो हमारा थर्ड 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन था सपोज वो हमारा हुआ 20 ब्लो में, ठीक है। तो जो वैल्यू हमको कंसिडर करनी है, जिसको हम कहेंगे SPT की N वैल्यू, जिसको हम कहेंगे कि अगर कोई कहे कि N वैल्यू निकल के क्या आई, तो जो N वैल्यू होगी N शुड बी इक्वल्स टू N2 + N3, ठीक है। इसके बाद इसकी और जो कैलकुलेशन है उसको कैसे करते हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि जो N वैल्यू इसको हम कैसे और मॉडिफाई करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।